हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है शैतान बाबा। सुकन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसके कपड़े खून से सने हुए थे, चेहरे पर भी खून ही खून दिखाई दे रहा था। उसके खुले हुए बाल तेज हवा में लहरा रहे थे। उसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी, उस थैली को लिए वह सड़क पर चली जा रही थी। उस प्लास्टिक की थैली से भी खून की बूंदें टपक रही थी। उस रास्ते से गुजरते हुए जिसने भी सुकन्या को देखा उसके हाथ पैर फूल गए। लोगों में एक अनजाना भय दौड़ गया। एक औरत बोली, हे भगवान, कौन है ये औरत? इसके शरीर पर खून की बूंदें कैसी, और ये प्लास्टिक की थैली में क्या लिए हुए जा रही है? लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। सुकन्या सड़क पर चले जा रही थी। कुछ देर बाद वह शहर के सबसे बड़े पुलिस स्टेशन में प्रवेश कर दी। उस पुलिस स्टेशन का नाम था मायागंज पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में उसके प्रवेश करते ही वहां भी हड़कंप मच गया। हवलदार बोला, अरे ये कौन है ये औरत? इसका कहीं एक्सीडेंट हो गया है या कहानी कुछ और ही है? वे दोनों हवलदार बातें ही कर रहे थे कि सुकन्या उनके पास आई और उनसे बोली, इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? हवलदार बोले, इंस्पेक्टर साहब से क्या काम है? सुकन्या को लेकर दोनों हवलदार इंस्पेक्टर अर्जुन के पास पहुंचे। इंस्पेक्टर अर्जुन ने भी जब अपने सामने खून से सनी हुई एक महिला को देखा तो वो भी सदमे में आ गए। इंस्पेक्टर बोले, कौन हो तुम? सुकन्या बोले, साहब मैं सुकन्या हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर बोले, गिरफ्तार कर लूँ, पर किस जुर्म में? सुकन्या बोली, साहब मैंने एक राक्षस का वध कर दिया है। इंस्पेक्टर बोले, राक्षस? कैसा राक्षस? सुकन्या बोली, बहुत खूंखार राक्षस, मैंने वध कर दिया है उसका। इंस्पेक्टर बोले, तुमने किसी को जान से मार दिया? सुकन्या बोले, मारा नहीं साहब, वध कर दिया। अगर नहीं करती तो मैं मर जाती। उसके बाद सुकन्या ने अपने हाथों में लिए प्लास्टिक की थैली को इंस्पेक्टर अर्जुन की तरफ बढ़ाया। सुकन्या बोली, लो, राक्षस का वध करके मैंने उसका सिर काट कर इसमें डाल दिया है। मैंने जुर्म किया है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। इंस्पेक्टर बोले, सुकन्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम मुझे खुलकर बताओ। सुकन्या अपनी कहानी सुनाने लगती है। सुकन्या के पति का नाम था राकेश, उसकी सास का नाम था सुमित्रा। राकेश और सुमित्रा दोनों की आस्था एक साधु में बहुत ज़्यादा थी। वे दोनों साधु के बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे, यूँ कहे उस साधु का ही राज चलता था सुकन्या के घर में। सुकन्या को अब भी याद है जब वह पहली बार उस साधु के आश्रम में गई थी तो वह उसे कैसे भूखी नज़रों से घूर घूर कर देख रहा था। राकेश बोला, सुकन्या ये अधीर आनंद जी बहुत ही पहुँची हुई शख्सियत है, ये तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ एक पल में बता देंगे, चलो प्रणाम करो उन्हें। सुकन्या बोली, प्रणाम बाबा। बाबा बोले, खुश रहो और सबको खुश रखो, ये जीवन इसीलिए तो मिला है। अधीर आनंद ने जब यह बात सुकन्या को बोली तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसी दिन नाश्ते में सुकन्या की सास ने अधीर आनंद को अपने घर पर इनवाइट किया, क्योंकि राकेश एक नई दुकान शुरू करने वाला था और बिना अधीर आनंद जी के आशीर्वाद के वो बिजनेस शुरू नहीं करना चाहता था। बाबा बोले, देखो सुमित्रा, तुम्हें तो पता है ना कि हम कितना व्यस्त रहते हैं, आश्रम में ही लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन तुम हमारी पुरानी भक्त हो, इसीलिए तुम्हारे लिए मैं समय ज़रूर निकालूंगा। तय तारीख पर अपनी महंगी कार में बाबा सुमित्रा के बेटे राकेश की दुकान पर पहुंचे। जैसे ही वो पहुंचे, सुमित्रा और राकेश उनकी अगुवाई के लिए खड़े हो गए, लेकिन वो दुकान के अंदर नहीं गए। दुकान को बाहर से ही देखकर उन्होंने कहा, मुझे ये जगह कुछ जम नहीं रही है, अभी यहाँ पर काम शुरू करना सही नहीं है, मुझे यहाँ एक तांत्रिक क्रिया करनी होगी, तभी यह जगह पवित्र हो जाएगी, तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। राकेश बोला, कितने पैसे खर्च हो जाएंगे बाबा? बाबा बोले, 1,25,000 रुपये लगेंगे, उसके बाद इतने पैसे तुम हर दिन रोज कमाओगे। सारी तैयारी होने के बावजूद उन लोगों ने दुकान की ओपनिंग नहीं की। सुकन्या बोली, राकेश आप समझते क्यों नहीं हो, अरे पहले से ही इधर उधार ले रखा है आपने इस बिजनेस के लिए, और अब 1,25,000 और उधार उस पूजा के लिए जो उस बाबा ने बताई है। राकेश बोले, सुकन्या अधीरानंद जी ने जो कहा है
वो करना ही होगा ना। सुकन्या बोली, देखिए राकेश, आपकी दुकान मार्केट के बीचों बीच है, वो तो वैसे भी चलेगी। अब इसके लिए पूजा की क्या जरूरत है। तभी वहां पर सुमित्रा आ गई। सुमित्रा बोली, क्या बात है, तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो। राकेश ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। उसकी बातों को सुनकर सुमित्रा आग बबूला हो गई। सुमित्रा बोली, बहू तुम्हें पता भी है अधीर आनंद बाबा कौन है, और उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर उसके खिलाफ कुछ भी करोगी तो हम बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे लाखों लोग भक्त हैं उनके। अब सुकन्या क्या कहती। 1,25,000 रुपये लगा कर राकेश ने पूजा करवाई। दुकान तो पहले से ही अच्छी जगह पर थी तो खूब चलती थी, लेकिन राकेश और सुमित्रा को लगता था कि ये बाबा के प्रताप के कारण है। एक दिन की बात है, सुमित्रा कहीं बाहर गई हुई थी और राकेश दुकान पर था। तभी दरवाजे पर दस्तक सुन सुकन्या ने दरवाजा खोला। सामने अधीर आनंद खड़े थे। सुकन्या बोली, अरे बाबा आप आइए आइए। अधीर आनंद घर के अंदर आकर बैठ गया। सुकन्या बोली, बाबा माँ और राकेश तो नहीं है। बाबा बोले, मुझे पता है, मैं तुमसे मिलने ही आया हूँ। सुकन्या बोली, मुझसे। बाबा बोले, हाँ क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या। सुकन्या बोली, क्यों नहीं आ सकते। तब बाबा बोले, सुनो जरा अपनी नर्म और गोरे हाथों से शरबत बना दो, मेरा गला सूख रहा है। अधीर आनंद के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुकन्या का माथा ठनका। वो किचन में शरबत बनाने चली गई। जब वो शरबत बना रही थी तभी अधीर आनंद पीछे से आ गए और उससे कहा, तेरे पति का काम कैसा चल रहा है। सुकन्या बोली, जी अच्छा अच्छा चल रहा है बाबा। बाबा आप यहाँ रसोई में क्यों आ गए, आप वहीं बैठिए ना। बाबा बोले, अरे हम थोड़ा तुम्हें और भी नजदीक से देखने और महसूस करने के लिए आ गए। यह कहकर अधीर आनंद ने सुकन्या का हाथ पकड़ना चाहा। सुकन्या बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, दूर हटिए, हटिए दूर, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। बाबा बोले, सुकन्या पागलपन मत करो, देख तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं तुझे भाव दे रहा हूँ। सुकन्या बोली, आप अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। यह कहकर उसने किचन में पड़ा हुआ चाकू उठा लिया और उसे अधीर आनंद की ओर दिखाते हुए कहा। सुकन्या बोली, हटिए नहीं तो चाकू पेट के अंदर उतार दूंगी। बाबा बोले, तू सही नहीं कर रही है, तुझे मेरी बाहों में आना ही होगा, और देखना तेरा पति और तेरा सास ही तुझे मेरे पास भेजेंगे। अधीर आनंद की गंदी हरकत के बारे में जब सुकन्या ने उस रात अपने पति और अपनी सास को बताया तो दोनों उस पर बरस पड़े। राकेश बोले, अरे क्या दिक्कत है तुम्हें अधीर आनंद जी से, जब देखो तब उनके पीछे पड़ी रहती हो, उनकी बुराई करती हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। सुकन्या बोली, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, उसने तुम्हारी पत्नी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और तुम हो कि तुम उसी का पक्ष ले रहे हो। सुमित्रा बोली, वो इसीलिए बहू क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पता है अधीर आनंद जी की कितनी महिला भक्त हैं, वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, तुम्हें पता है। देखो आज के बाद इस घर में उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। बात आई गई हो गई। इस बीच अधीर आनंद कई बार फिर से राकेश और सुमित्रा की अनुपस्थिति में सुकन्या के घर आता और उससे बदतमीजी की कोशिश करता। सुकन्या जब उसकी शिकायत अपने पति और सास से करती तो उनका मुंह बंद करा देते। सुकन्या बोली, ये लोग तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, अपनी पत्नी और बहू की बात इन्हें झूठ लगती है और उस ढोंगी की बात सच। समय बीतता गया। सुकन्या की शादी को 2 साल हो गए लेकिन उसकी गोद नहीं भर रही थी। अधीर आनंद जी ने राकेश और सुमित्रा के दिमाग में यह बात डाल दी थी कि सुकन्या कभी माँ नहीं बन सकती, तुम्हारी बहू के ऊपर कोई दोष है इसीलिए वो कभी माँ नहीं बन सकती। सुमित्रा बोली, इसका उपाय क्या है बाबा। बाबा बोले, उपाय ये है कि उस दोष के निवारण के लिए एक पूजा करनी होगी और वो भी अमावस्या की रात को, और उस रात सुकन्या को अकेले ही आश्रम में आना होगा। मैंने इस पूजा के द्वारा कईयों की गोद भरी है। राकेश और सुमित्रा सुकन्या के लाख मना करने के बावजूद उसे आश्रम में छोड़कर वापस आ गए। अधीर आनंद तो यही चाहता था। उस रात उसने सुकन्या से बदतमीजी शुरू कर दी। सुकन्या बोली, दूर रहो मुझसे, नहीं तो आज तुम्हारी वो हालत करूंगी कि तू किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बाबा बोले, अरे मुझमें कांटे लगे हैं क्या, देख खुश रहो और सबको खुश रखो,
और मैं तो तेरा भला ही करने वाला हूँ, तेरी गोद में कुछ दिनों में एक बच्चा खेलने लगेगा। ये कहकर अधीर आनंद जी ने सुकन्या को अपनी बाहों में भरना चाहा, लेकिन सुकन्या तो आज पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने अपनी साड़ी में छिपा खंजर निकाला और उस खंजर से एक ही वार से अधीर आनंद का सिर काट दिया। सुकन्या गुस्से में बोली, तूने हद कर दी थी अधीर आनंद, आज मैंने बहुत सहा है, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, इसीलिए आज मुझे तेरा वध करना पड़ा। तू औरत को समझता क्या है, औरत शक्ति है, शक्ति, उसे कमजोर मत समझ। इंस्पेक्टर अर्जुन और थाने के सभी लोगों की आंखों में अधीर आनंद को लेकर बहुत गुस्सा था। सभी के जहन में एक ही बात चल रही थी कि सच में सुकन्या ने कोई हत्या नहीं की, वध किया है। सुकन्या ने जज के सामने सारी सच्चाई रखी और अधीर आनंद की हत्या का कारण बताया। सुकन्या को 5 साल की सजा तो हुई, लेकिन उसे संतोष था, उसने एक राक्षस के बोध से समाज को मुक्त कर दिया है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।